दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट में भाजपा के हर्षवर्धन चौहान की जीत से भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय बिलासपुर में जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और नारेबाजी भी की। जिला अध्यक्ष स्वतंत्र संख्यान ने कांग्रेस सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाए जाने का आरोप लगाया और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विधायकों को सस्पेंड किए जाने के फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस सरकार से प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी के अपने विधायक भी बेहद दुखी हैं और इसके परिणाम अब सामने देखने को मिल रहे हैं। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को, प्रदेश के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी को, अनुराग ठाकुर जी को, पिछले कल जो राज्यसभा का चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री हर्ष महाजन जी को जीत मिली, उसके लिए उन सबको बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सरकार ने 1.25 साल के अंदर जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर एक घोर निराशा का वातावरण बनाया, जिस तरह से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो संस्थान खुले थे उनको बंद किया और पूरा प्रदेश में जिस तरह से लोगों में आक्रोश था इस सरकार के प्रति, उसका पटाक्षेप पिछले कल हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायकों, 3 निर्दलीय विधायकों और कांग्रेस के भी 6 विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मत देकर हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी को जिस तरह से विजय बनाया, उससे पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। और हम एक बार पुनः अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जितनी जल्दी हो हमें सरकार से, जन विरोधी सरकार से छुटकारा मिले और प्रदेश के अंदर फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में दोबारा जो विकास की रथ यात्रा जारी हुई थी वो हमेशा अनंत समय के लिए जारी रहे। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।